आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जोश एड्रेस पे। तो आज हम लोग बात करेंगे आपके जो कमेंट्स वगैरह आते हैं नीचे वीडियो के नीचे, ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो कुछ कमेंट जो नॉर्मली जो ज़्यादातर लोग करते हैं उसको मैंने पिक किया है और उसी के ऊपर मैं डिस्कशन करूँगा। तो देखो, सबसे पहली जो चीज़ है, जो सबसे पहला जो कमेंट आता है लोगों का, वो ये आता है कि भाई मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, मैं कौन सी गाड़ी खरीदूँ। सबसे पहला ऐसा सवाल आता है, मैं कौन सी गाड़ी खरीदूँ। तो देखो भाई, गाड़ी आपको ये समझना पड़ेगा गाड़ी खरीदते समय कि भाई आपका काम क्या है, आप किस काम के लिए, किस पर्पस के लिए आप गाड़ी को खरीदना चाह रहे हो, ठीक है। जैसे कि अगर आप सीमेंट का देख रहे हैं, भाई सीमेंट आपको ढोना है, सीमेंट का ही ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो उससे रिलेटेड आप गाड़ी देख सकते हैं। प्लस उसमें एक चीज़ ये रहती है कि भाई आपको गाड़ी जो है कितने फुट की लेनी है, ठीक है, ये चीज़ भी रहती है। आपका बजट क्या है, ये भी रहता है। तो देखो, मैं अगर आपको कह दूं कि यार भाई ये वाली गाड़ी ले लो, और वो वाली गाड़ी आपके बजट की ना हो, आपके काम की ना हो, तो फिर क्या फ़ायदा, ठीक है। तो देखो, मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूँ, ठीक है, गाड़ी का एडवाइस वगैरह करूँ। मेरा काम केवल है गाड़ी का रिव्यू वगैरह करना, ठीक है, जो लोग गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, उनसे बातचीत करना और उसको एक वीडियो फॉर्मेट में आप तक पहुँचाना, ठीक है। बाकी आप खुद समझदार हैं, सारा डिसीजन आप देख सकते हैं, आप अपने अच्छे बुरे के बारे में खुद से डिसीजन लीजिए। दूसरा जो कमेंट आता है वो ये आता है कि भाई आपने डाउन पेमेंट के बारे में नहीं बताया, ठीक है। कई सारे वीडियोस में आपने कमेंट किया है कि डाउन पेमेंट के बारे में आप नहीं बता पाते हैं या नहीं बताया आपने। तो देखो, डाउन पेमेंट यार हर आदमी का अपना अपना हिसाब है। कोई 1 लाख रुपये भी डाउन पेमेंट करके गाड़ी को ले आता है, कोई 0 डाउन पेमेंट करके भी गाड़ी को ले आता है, ठीक है। और कई लोग जो है 5-5, 10-10 लाख रुपये भी डाउन पेमेंट करते हैं। तो डाउन पेमेंट करना ये आपके अगेन बजट के ऊपर है, प्लस आपके सिविल स्कोर के ऊपर है, और तीसरी चीज़ आती है कि आपका उस पर्टिकुलर कंपनी जिसकी आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं उसके साथ आपका पीछे क्या रिलेशनशिप रहा है। अगर उनकी आपने पहले भी कोई गाड़ी यूज़ वगैरह कर रखी है, बाइक की है, यूज़ किया हुआ है, टाइम पे किस्त दे रहे हो, तो भाई जाहिर सी बात है आपको ईजिली जो है गाड़ी मिल जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। बिना किसी डाउन पेमेंट के भी मिल जाती है गाड़ी आपके रिलेशनशिप के ऊपर। तो इस तरीके से, तो डाउन पेमेंट का देखो कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि आप, मतलब एक आदमी ने 1 लाख रुपए किया है तो आप भी 1 लाख रुपए पे करोगे तो आपको गाड़ी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। इसके बाद जो है एक सवाल ये आता है कि यार गाड़ी जो है हमें मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा अगर हम गाड़ी को ले रहे हैं, ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताइए। तो अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ऐसी बात है, बैंक टू बैंक डिफरेंट होता है, ठीक है। आप कौन से बैंक से या किस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आप पैसा ले रहे हैं, कंपनी से ले रहे हैं पैसा, तो वो चीज़ भी रहती है उसमें। तो अगेन वो सवाल भी फिर है ना, उसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, वो मैं नहीं दे पाऊंगा एक फिक्स आंसर। इसके बाद फिर आपका जो एक सवाल ये रहता है कि यार मतलब मैं गाड़ी खरीदना चाह रहा हूँ टाटा कंपनी की 14 फुट में, ठीक है, तो बताइए कैसा रहेगा, सही रहेगा, नहीं रहेगा। तो देखो, ऑलरेडी वीडियो लगभग सभी कंपनी की, सभी तरीके की गाड़ियों का लगभग लगभग वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है। आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे सर्च करिए, आपको रिव्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उस रिव्यू को आप देखिए, उस आदमी ने, उस ड्राइवर ने या उस ओनर ने गाड़ी के क्या बताया है, तो उसके बेसिस पे आप जज करिए, देखिए कि भाई बंदा कैसे बता रहा है, ठीक है, उसकी बातों में आपको क्या लग रहा है, सच्चाई लग रही है, कैसा लग रहा है, ठीक है। उसके बेसिस पे आप जो अपना खुद का डिसीजन लेके, खुद की समझ से, प्लस अपने यार दोस्तों या कोई आसपास में जो वो गाड़ी वो चला रहा है उससे बात करके, शोरूम पे जाके खुद से देख के, शोरूम पे जो और लोग आते हैं वहाँ पे बात करके आप अपना डिसीजन लीजिए। क्योंकि ये 1 या 2 लाख की चीज़ नहीं है, ये है ना काफ़ी महंगी चीज़ होती है गाड़ी, और इस पर बहुत कुछ डिपेंड होता है इस गाड़ी के ऊपर। तो इसलिए डिसीजन बहुत सोच समझ के लीजिए, है ना, देखा देखी कभी भी डिसीजन मत लो। इसके बाद देखो, कई लोगों ने कमेंट किया कि भाई अब आजकल वीडियो बहुत कम आप बना रहे हो, क्या रीज़न है। तो देखो भाई, सबसे पहली जो चीज़ है ना, मैं वो ये बता देता हूँ, वीडियो इसलिए कम आ रही है क्योंकि एक तो गर्मी का टाइम है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इस YouTube के सिवाय मैं अपना पर्सनल, मेरा बिजनेस भी है, ठीक है, किराने की शॉप है, तो वो भी मुझे देखना होता है। प्लस तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि भाई गाड़ी जो है ना, आज के टाइम में अगर मान लीजिए मैं किसी गाड़ी की वीडियो को शूट करना चाह रहा हूँ, तो उस गाड़ी का अगर गाड़ी मुझे मिल जाती है, पहले चीज़ तो देखना पड़ता है कि भाई गाड़ी अवेलेबल है, कहीं दिख रही है रोड पे, ठीक है, तो
अगर गाड़ी मिल भी जाती है तो फिर उसका जो ड्राइवर है या जो ऑनर है वो कई बार तैयार नहीं हो पाता है ना, ठीक है, वो कैमरे पे आना नहीं चाहता, उसको कैमरे पे आने में शर्म होती है कई बार, तो ये चीज़ होती है, तो कई बार इसलिए भी वीडियो आने में डिले हो जाता है, मैं वीडियो शूट नहीं कर पाता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि गाड़ी जो है ना, गाड़ी की तो वो कोई भी गाड़ी जिसकी मैं वीडियो शूट करना चाहता हूँ, ऐसा तो है नहीं कि वो पर्टिकुलर किसी जगह पे खड़ी है, मैं वहाँ पहुँचूँ फटाक से और है ना मैं वीडियो शूट करूँ और आ जाऊँ, ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है। या मान लो कहीं गाड़ी मुझे मिल भी गई रोड पे, तो ऐसा तो है नहीं कि वो ड्राइवर कहेगा आ जाओ भाई कर लो शूट, ठीक है, उसको कन्विंस करना पड़ता है कि भाई वो गाड़ी की वीडियो शूट करवाए, ठीक है, वो चीज़ें इन्फॉर्मेशन दें और सही इन्फॉर्मेशन दें। आपने देखा होगा कई सारी वीडियोज़ में कई ड्राइवर फेंकते बहुत हैं, या कई जो ऑनर होते हैं गाड़ी के वो बहुत फेंकते हैं, ठीक है, तो आप खुद ही कमेंट करते हैं नीचे कि हाँ यार ये बंदा बहुत झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, ऐसा तो होता ही नहीं है, आपने देखा होगा। तो ये इस तरीके की बातें होती हैं यार, कई लोग मतलब हर आदमी सच बोलने वाला नहीं मिलता, ठीक है, ये चीज़ है। इसके साथ साथ देखो कई कमेंट आपके ये भी आते हैं कि गाड़ी जो है कंपैरिजन की यार इस पर्टिकुलर गाड़ी की ही वीडियो बना दो हमारे लिए, ठीक है, मुझे इसका रिव्यू चाहिए, इस पर्टिकुलर गाड़ी का चाहिए, इस पर्टिकुलर मॉडल का, इस कंपनी का। तो मैंने अगेन वही आपको बता रहा हूँ कि यार वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि वो गाड़ी के मिलने के ऊपर है कि गाड़ी अगर मुझे मिलेगी तो मैं बना पाऊँगा, अदरवाइज वीडियो नहीं बन पाती है, ठीक है। बाकी मैं इसलिए कहता हूँ आप लोगों कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, है ना, चैनल को, और नीचे वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में अमेज़ोन का लिंक रहता है, आप लोग वहाँ से कुछ शॉपिंग वगैरह करिए, ताकि जो है कुछ कमीशन अगर मुझे मिलेगा तो आपका सपोर्ट मिल जाएगा, और ताकि मैं दूर जाके, क्योंकि देखो यहाँ मेरठ से मुजफ्फरनगर की तरफ मैं जाता हूँ करीब 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर जाना आना, ठीक है, और प्लस वीडियो शूट करना, फिर वो गाड़ी मिले ना मिले इसके ऊपर भी होती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। तो वीडियो शूट करना इट्स नॉट अ ईजी टास्क, मैं आपको बता दूँ, यूनिक कैमरा उठाया चल दिया भैया और लग गया वीडियो शूट करना, आपको लगता होगा ऐसे ही यहाँ यार कोई भी ड्राइवर तो मिल ही जाएगा बस बना लो वीडियो, ऐसा नहीं है मेरे भाई। वीडियो बनाने के लिए पहले चीज़ तो मेंटली खुद प्रिपेयर होना पड़ता है, दूसरी चीज़ है मोटिवेशन, खुद अगर मोटिवेटेड है, खुद का इंटरेस्ट है, तो आदमी इस काम को कर पाएगा ना, तो ये चीज़ें हैं, और प्लस ड्राइवर का तैयार होना, उस गाड़ी का मिलना, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वीडियो ऐसे ही बनती है। और ठीक है जी, तो ये कुछ बातें हैं। अब बाकी धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो इस वजह से यार वीडियो थोड़ी कमी आ पा रही है, बाकी कोशिश में ये करूँगा कि आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता रहूँ, और बाकी इस तरीके से तो मैं आपको बताऊँगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी आप अपने सारे सवाल जो है नीचे कमेंट करिए, क्या क्या आपके सवाल हैं जो आप जानना चाहते हैं, उन सवालों का नेक्स्ट में वीडियो में जवाब दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और यार दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, जब तक गाड़ी ध्यान से चलाइए।